हाई एवरी वन दिस इज़ मानिका आज का टॉपिक है हमारा क्वालर्स पर ऑस्ट्रेलिया में क्वालर्स एक तरह के मारसूपियल्स हैं जो पाए जाते हैं और इनको अब इनडेंजर्ड स्पीशीज़ घोषित किया गया है ऐसा क्यों किया है ऑस्ट्रेलिया ने हम डिटेल में बात करेंगे और क्वालर्स के बारे में भी जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी बाकी मैं आपको बता दूं वुमेंस डे के अवसर पे आपको यहाँ पे डबल वैलिडिटी आज के दिन मिल रही है यहाँ पे दो बेनिफिट हैं अगर आप कोड यूज़ करेंगे वीरो थ्री थ्री वीरो थ्री थ्री पे आपको एक तो थर्टी थ्री परसेंट डिस्काउंट मिलेगा प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगी जो भी कोर्स आप खरीदेंगे आज के दिन ही ये ऑफर वैलिड है चलिए डिस्कशन पे आते हैं अब कुआलास जो हैं उनको एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है पूरे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस रीजंस कैसे जैसे सूखा पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में 2020 में आपने देखा कितने फायर्स बुश फायर्स देखे गए ऑस्ट्रेलिया में तो इनका जो हैबिटेट है वो कम होता जा रहा है श्रिंक होता जा रहा है तो ये जो मारसूपियल पॉपुलेशन है इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है क्वालर्स पर इसलिए एंडेंजर्ड घोषित किया गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंडेंजर्ड के बाद अगर आप देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड आता है फिर वाइल्ड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की कैटेगरी आती है तो इससे जो खतरा है एनिमल को कि बहुत जल्दी हो सकता है वो बना हुआ है और इसकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है ग्रुप्स जो हैं उनका मानना है कि बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया पे इसलिए आज इस कगार पे आके खड़े हो गए कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं प्रिंट मीडिया में भी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं लिस्टेड एज इन डेंजर्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स फेल टू हॉल्ट इट्स डिकलाइन इन्वायरमेंटल ग्रुप्स और कंजर्वेशन जो हैं उनका मानना है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम इनकी कंजर्वेशन स्ट्राटेजी पर नहीं किया है अब ऑस्ट्रेलिया की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री मिनिस्टर जो हैं सुजान ले उन्होंने अनाउंस किया कि क्वाल को प्रोटेक्शन उनकी इंक्रीज करने के लिए न्यू साउथ वेल्स क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में इनका स्टेटस चेंज किया गया इससे पहले इनका स्टेटस था वल्नरेबल तो वालनरेबल से इंक्रीज करके एंडेंजर्ड कर दिया गया ताकि इनको ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन वो मिल सके और गवर्नमेंट अब काफ़ी ज़्यादा पैसे भी इनके कंजर्वेशन पे दे रही है फ़ंडिंग दे रही है ताकि रिकवर कर सकें इनके पॉपुलेशन को अब जैसे बुश फायर्स थे 2020 में तो यहाँ पे माना जाता है कि ऑलमोस्ट सिक्सटी थाउजेंड कुलाज़ पर इम्पैक्ट उसका पड़ा उनकी डेथ के साथ साथ इंजरीज़ डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं कुलाज में देखी गई तो ये तीन एरियाज़ हैं स्पेशली ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जहाँ पे कोआलास की काफ़ी पॉपुलेशन है और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज यहाँ पे फॉलो की जाएंगी अभी हम ऑस्ट्रेलिया के कोआला पॉपुलेशन पे और भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको इस एनिमल के बारे में थोड़ा बता दूँ कि कोआलास क्या हैं साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे इनका साइंटिफिक नेम है फैस्कोलार्कटोस सीनरियस जीनस फैसकोलार्कटोस जो है इसका मतलब है पाउच्ड और आर्कटोस का मतलब है बियर पाउच बियरिंग तो यानी ये मार्सुपियल्स हैं आपको पता होना चाहिए कि मार्सुपियल्स क्या हैं जैसे आपने कंगारू देखे हैं ना जो अपने बच्चे को एक पाउच में कैरी करते हैं तो इस तरह के एनिमल्स को हम मार्सुपियल्स कहते हैं बेसिकली ये मैमल्स होते हैं लेकिन मैमल्स के इंफ्रा क्लास में आते हैं अगर आप इनको मैमल्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैमल्स का कैरेक्टरस्टिक्स होता है कि उनमें मेमरी ग्लैंड है और मारसूपियल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दट दे कैरी अ पाउच जिसमें वो अपने बच्चे को कैरी करते हैं इन में प्री मैच्योर बर्थ देखा जाता है और ये उस पाउच में ही डेवलप बाकी का टाइम जो इनका डेवलपमेंट का रह गया होता है उसके बाद ये डेवलप करते हैं ओके okay, सो so ये क्वालस के बारे में सो दे आर टाइप ऑफ मैमल्स जिनको मार्सूपियस बोलते हैं बट दे बिलोंग टू इंफ्रा क्लास ऑफ मैमल्स और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड यंग वंस को जन्म देते हैं और काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स एक और तरह का एनिमल है वम बैट अगर आप देखेंगे गूगल पर सर्च करेंगे तो वो इसका काफ़ी क्लोज क्लोजेस्ट रिलेटिव है बैकवर्ड फेसिंग पाउच उसका रहता है तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं इनका हैबिटेट या बिहेवियर देखेंगे तो ये किस पे फीड करते हैं यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है उसके पत्तों पे ये फीड करते हैं साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जब ये सोते नहीं हैं तो सिर्फ खाते रहते हैं अब खाते क्यों हैं क्योंकि देखिए इनकी डाइट है यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस का जो पत्ते ये खाते हैं उनमें बहुत सारे टॉक्सिनस भी होते हैं तो इनके स्टमक को बहुत ज़्यादा काम इनके मेटाबॉलिजम इस तरह से कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है टॉक्सिनस को सेपरेट करने के लिए तो इनके पास ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होती इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ईटिंग और स्लीपिंग ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 20 घंटे तो ये दिन में 24 में से बीस बाईस घंटे ये सो रहे होते हैं और एक दिन में एक पाउंड से ज़्यादा यूकेलिप्टस लीव्स ये खा लेते हैं और टॉक्सिक होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत काम करना पड़ता है इन टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स इनको मिल पाते हैं इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इनको अपनी डाइट से नहीं मिलती इसलिए आपको पेड़ पर पे लटके हुए सोते हुए ही नज़र आएंगे अब कुआलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीते क्योंकि जो ये पत्ते खाते हैं वहीं से मॉइस्चर डिराइव करते हैं और वो अपने लीव्स में अपने चीक पाउचेस में उनको लेटर ऑन के लिए थोड़ा स्टोर करके रखते हैं तो जितना भी ये खा सकते हैं ये खाते रहते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की क्वाला पॉपुलेशन की बात करें फॉसिल रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे तो कोला स्पीशीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 25 मिलियन ईयर्स से पाई जाती है ये डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के आपको एक रिपोर्ट हमको ये डेटा बताती है वाइल्ड में ईस्टर्न साइड ऑस्ट्रेलिया जो मैंने आपको मैप में तीन जगह दिखाई वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और अब हैबिटेट लॉस की वजह से बहुत प्रॉब्लम इनको हो रही है जिस तरह से 2020 की बुश फायर्स देखी उसमें एनिमल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट तो हुआ क्वालर्स को लेकिन उसके साथ साथ जिस पे ये फीड करते हैं यूकेलिप्टस का जो पॉपुलेशन है वो भी अगर कम होता जाएगा पेड़ कम होते जाएंगे तो भी इनकी पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि इनकी काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट है यूकेलिप्टस यूकिलिप्टस लीव्स इनको चाहिए और यूकेलिप्टस लीव सफिशेंटली नहीं मिलेंगे तो इनकी पॉपुलेशन पर फ़र्क पड़ेगा तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हैबिटाइट श्रिंकिंग इन इस केस में बुश फायर्स क्लाइमेट चेंज ये सब रीजंस हैं क्वाला की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के लिए तो यहाँ पे फिर से डिस्कस करते हैं एक बार कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रही है तो मैंने आपको बताया पहला रीज़न क्लाइमेट चेंज जो लैंड लोग क्लियर कर रहे हैं डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है अर्बन डेवलपमेंट हो रही है अब कहीं पर भी डेवलपमेंट होगी तो आप पेड़ पौधों को काटेंगे या फिर आप एग्रीकल्चर के लिए लैंड को कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल फॉरेस्ट को काटेंगे जो कि इनका हैबिटाट है अब क्वाला पॉपुलेशन जो क्वींसलैंड या न्यू साउथ वेल्स में फॉर एग्जाम्पल वहां पर पचास परसेंट लास्ट टू डिकेट में देखा गया है कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है और बुश फायर तो मैं आपको बार बार मैं ही रही हूं अराउंड सिक्सटी थाउजेंड कोलाज वहां पर मरे भी हैं इंजोर्ड भी हुए और कुछ ना कुछ इंपैक्ट उनको पड़ा है और ये रिपोर्ट ये जो नंबर्स हैं हमको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये रिपोर्ट हमको बताती है और जो कंट्री है वहाँ पे ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट टोटल क्वाला पॉपुलेशन जो है टू थाउजेंड एटीन और ट्वेंटी वन के बीच में वो कम हुई है पूरे कंट्री का देखेंगे अगर ईस्टर्न साइड में तो और भी ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है तभी इसका स्टेटस अगर आप देखेंगे दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जल्दी ये डिसीजन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लिया है कि क्वालाज को एंडेंजर्ड घोषित किया जाए क्योंकि एंडेंजर्ड से नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंक्शन तो इस स्टेटस से एटलीस्ट जब भी हम किसी एनिमल को ये रेड लिस्ट का कोई स्टेटस देखते हैं देते हैं अगर हम उसको वालनरेबल बोल रहे हैं तो उसको उस हिसाब से प्रोटेक्शन दी जाएगी उस हिसाब से उसको फंडिंग मिलेगी उसकी कंजर्वेशन स्ट्राटी स्ट्रेटजीज़ के लिए लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है अगर इसका स्टेटस दैट मीन्स को प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि एक्सटिंक्ट हो सकता है तो यहाँ पे मानना है कुछ एक्सपर्ट्स का कि अगर गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स नहीं लिए तो दो तक ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी अब देखिए ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एक लाख के नीचे ही क्वालाज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बचे हैं एंड सम रिपोर्ट्स से दैट जस्ट थर्टी थ्री थाउजेंड टू थर्टी फाइव थाउजेंड ओके तो इतना इनका डिफरेंस यहाँ पे पड़ा है अब एक और थ्रेट है यहाँ पे क्वालाज को जो नॉर्मल मैंने आपको थ्रेट्स बताई हैबिटेट बुश फायर्स क्लाइमेट चेंज है ना और डीफॉरस्ट्रेशन यूकेलिप्टस का कम होना एक और मेजर थ्रेट है यहाँ पे एक डिज़ीज़ है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्लामडिया ये इसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस और सिस्ट्स हो रहे हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्वालाज में तो ये भी एक थ्रेट बनी हुई है जिससे कुलाज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि 2015-50 तक ये डिक्लाइन हो जाएंगे अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन रिसेंटली अराउंड 35 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो क्वालज की प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं अब इन्वायरमेंटले ने काफ़ी वेलकम किया इस आ, इस एक्शन को बट ऑल दो दे से कि ये फंडिंग अभी कम है और भी ज़्यादा फंडिंग टाइम टू टाइम चाहिए क्वाला पॉपुलेशन को रिकवर कराने के लिए तो अब अगर ये स्टेटस चेंज किया है इसका जैसे वालनरेबल था अब इसको एंडेंजर्ड बनाया गया है तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है कंजर्वेशन स्टेटस से अगर उसको रिक्लासीफाई किया जाता है वैसे काफ़ी समय से ये डिमांड आ रही थी इन्वामेंटल uh, जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से कि इसका स्टेटस इंक्रीज़ किया जाए लेकिन अब डिपेंड करता है किस तरह की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होंगी उससे पता चलेगा कि डिफरेंस होगा या नहीं होगा तो यही इंफॉर्मेशन थी जहाँ पे आपको पता चला कि क्वालाज क्या स्पीशीज़ हैं और इनकी पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है क्या थ्रेट्स हैं और किस तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्वेश्चन आपके लिए क्वाला पॉपुलेशन वाज एडवर्सली इफेक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया बुश फायर कॉलर्स आर हर्बीवर्स बीअर्स कॉलर्स फीड ऑन लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे इसका आंसर जान सकते हैं बाकी कोड तो मैंने आपको बता दिया है वीरो थ्री थ्री किसी भी कोर्स के लिए थर्टी थ्री परसेंट और आज के लिए डबल वैलिडिटी भी है बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज के लिए कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच